नमस्कार दोस्तों, मैं आरती भरद्वाज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी हम हैं फिलहाल से खिड़किया घाट पर, और ये देख सकते हैं खिड़किया घाट के नज़ारे, जिसमें कि आपको बताने वाले हैं कि इस घाट को, खिड़किया घाट को, बनारस के सबसे नए घाट को नमो घाट के नाम से क्यों जाना जाएगा और इसमें अभी हाल में ही खास क्या हुआ है। तो बस बिल्कुल न्यू अपडेट है और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। आपको बता दूं कि काशी में जो कि उत्तरी छोर पर गंगा किनारे स्थित खिड़किया घाट है, अब वो नमो घाट के रूप में भी पहचाना जाएगा, क्योंकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है इसकी वजह से। और आपको बता दूं कि ये यहाँ पर नमस्ते आकार का 3 स्कल्पचर बनाए गए हैं, जिसमें कि एक पुरुष का है और एक छोटे बच्चे का हाथ है और एक है स्त्री का हाथ जिसमें चूड़ी है। आपको सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया है। तो चलिए अभी इस स्कल्पचर को आपको दिखाएंगे आगे चल के। आपको बता दूं कि ये जो कि खिड़किया घाट है, यहाँ पर चौथा स्कल्पचर भी जल्द ही आकार लेगा, जो कि इन 3 से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और इससे 3 गुना बड़ा होगा, यानी कि ये पूरे 25-25 फीट के हैं और वो रहेगा 75 फीट के। आपको बता दूं कि इसे देखकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में नमो घाट के नाम से भी पुकारने लगेंगे। और अभी भी कुछ लोग हैं जो कि कहा सुनी और बातुनी में ये चीज़ें बोल रहे हैं। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो कि नमस्ते आकार के ये 3 स्कल्पचर बनाए गए हैं, उसमें से 2 की ऊंचाई करीब की 25-25 फीट है और जबकि एक थोड़ा कम ऊंचा है जो कि चौथा स्कल्पचर। दोस्तों, आप जो ये स्कल्पचर देख पा रहे हैं, ये जो कि मोल्डेड एलॉय मिश्रित धातु के बनाए गए हैं, जबकि आपको बता दूं कि प्रस्तावित जो कि चौथे स्कल्पचर की बात की जा रही है, उसे कॉपर में ही बनाया जाएगा, जो कि कॉपर धातु से बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि काशी के घाटों पर पर्यटकों का जो कि हुजूम हर घाटों पर उमड़ा रहता है, जो कि इसे और भी पर्यटकों के लिए बेहतर बनाने के लिए यहां पर विकसित के लिए पर्यटक विभाग, नगर निगम समेत अन्य कई विभागों ने इसकी सुविधाएं यहां पर खास तौर पे तैयार किया है, जो कि आपको बता दूं कि दशाश्वमेध घाट, 80 घाट के बाद ही विकास का केंद्र जो कि खिड़किया घाट बना है। यहाँ पर करीब 11.5 एकड़ एरिए में 35.83 करोड़ से आधुनिकतम सुविधाएँ विकसित हो रही है। इसमें 1.6 एकड़ भूमि पर बहुउद्देश्य प्लेटफार्म बना हुआ है। और वही बता दूं कि इस नए पर्यटक स्थल को जल, थल, नभ और तीनों से जोड़ा जा रहा है। अभी भी इसमें काम जो कि चल रहा है, और यहां पर आपको बता दूं कि 2-2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। ई रिक्शा कॉरिडोर भी जोड़ा जाएगा, जो कि पुराने पुल पे ये स्थित है, वहाँ से सीधे खिड़किया घाट के लिए जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर ई रिक्शा कॉरिडोर इसे जाना जाएगा, जो कि इस प्लेटफार्म पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं आवश्यक रूप से यहां पर स्थापित होगी, जो कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर दर्शन व वाटर का जो कि लुफ्त भी यहां पर लेंगे यहां के पर्यटक जो भी आएंगे। और उसके लिए टिकट का जो कि वुड कच्छक व नाव है, वह बजड़े की भी सुविधाएँ मिलेंगी। मॉर्निंग वॉक, व्यायामशाला के अलावा भी यहाँ पर लाइब्रेरी भी होगा, जो कि फूड प्लाजा, आरओ प्लांट के साथ ही साथ शिल्प से जुड़े कारीगरों को भी स्थान दिया जाएगा। इस समय स्कल्पचर जो कि आप देख सकते हैं पर्यटकों के लिए कौतूहल का भी विभाग बना हुआ है। लोग बोलचाल में नमो घाट के नाम से जानने लगे हैं और कहने लगे हैं। हालांकि नमो घाट के नाम से अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले कि स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसे नमस्ते स्कल्पचर के पास ही नमो नमः का साइनेज लगा करके घाट का आकर्षक बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये भी आपको बता दूं कि इस साइनेज पर हिंदी व अंग्रेजी में नमो नमः लिखा हुआ है। स्मार्ट सिटी की कंपनी जल्द ही चौथा नमस्ते का स्कल्पचर बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कॉपर का भी बनेगा, जिसकी ऊंचाई करीब 75 फीट होगी। शाही नाले पर भी एक पुल बनाया जाएगा, जिसमें हेरिटेज लुक होगा, जो कि 2 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वरुणा नदी के किनारे ही बने हैं ई रिक्शा कॉरिडोर को भी घाट से सीधा जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि यहां पर पर्यटकों को किसी भी तरह से कोई भी असुविधा, परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और